even if you're motivated and we are working on that part, suppose business and startup, like karne se pehle wo thoughts aata hai that you cannot do it. And even if we prepare for civil services, ye pe thoughts aata hai that you cannot do it. Although under se hai ki ha, I can do it, but wo thoughts kahan se aata hai? Is it because of the vibrations in the environment ki negative vibrations? Because in today's world, people's thinking are negative. So, what thoughts environment mein spread ho gaye because of that? देखो आपने दो अलग अलग चीजें पूछी हैं. एक आपने पूछा है कोई entrance आपको crack करना है, जहाँ पे लाखों लोग compete कर रहे हैं. तो वहाँ पर हमारे mind में negative thought आ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगा. ये आना भी चाहिए. क्यों आना चाहिए? क्योंकि reality के base पे है. ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं घर से जंगल में जाऊँगी आधी रात को तो कुछ जानवर आकर के मुझे खा सकते हैं. ये थॉट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? या फिर आप जंगल में पूरा जोश में जा रहे हो, पॉजिटिव हूं मैं, यहां कोई जानवर नहीं है, मुझे कोई नहीं खाएगा, तो ये थॉट आना चाहिए. दिस इज अ राइट थॉट. दिस इज नॉट अ पॉजिटिव थॉट, बट दिस इज अ राइट थॉट. पॉजिटिव थॉट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप इंपॉर्टेंस देते हो ना पॉजिटिव थॉट्स को. क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स की वजह से ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं लाइफ में. एक काम है उसको कर रहे हैं, हो रहा नहीं है, वो पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं 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 हो जाएगा, हो जाएगा, 10 बार ट्राई कर लिया नहीं हुआ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. संदीप सर कहते हैं लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो मैं भी लगा हूँ. यहाँ तक पकड़ में आ गई है बात कि एक तो है एंट्रेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आने भी चाहिए ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी को जज कर सको. आप देख सको कि वेदर आई हैव दैट काइंड ऑफ परसिस्टेंस इन कंपैरिजन टू अदर पीपल. यहाँ पे अपने आप को औरों से कंपेयर भी करना पड़ेगा. मैं कहता हूँ अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो. अरे आप एक कंपैरिजन एक कॉम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे हो, वहाँ तो करना ही पड़ेगा. आप आ करके मेरे से पंजा लगा रहे हो और आपने स्टेक पे क्या लगा दिया है कि जो जीता आपका घर मेरा हुआ या मेरा घर आपका हुआ. यही तो स्टेक पे है. एंट्रेंस आप क्रैक करने के लिए जा रहे हो, लाखों रुपए लग रहे हैं, लाखों रुपए है आपकी जेब में, तो आपको लोन उठाना पड़ रहा है. इसका मतलब आपका घर लग गया ना दाव पे. तो आप अपना घर दाव पे लगा रहे हो किस बेस पे कि मुझे लगता है मैं क्रैक कर लूंगा. मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहिए किसी से भी लड़ने से पहले. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क है वहां पर, क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है. मान लो यहां पर इस सब पूरी तैयारी में, ये सब में मान लो इतने साल जाने वाले हैं और इतने 5 लाख रुपए लगने वाले हैं, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि 50,000 रुपए में या 5,000 रुपए में या 500 रुपए में बिना किसी रिस्क के क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो वहां से लाख गुना बड़ा हो, कि वो एंट्रेंस क्रैक करके जो लोग वहां जाने वाले हैं वहां से निकल करके आने वाले हैं वो लोग मेरी कंपनी में काम करें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बट ऐसा हम कभी सोचते नहीं है. क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऐसा कोई नहीं सोचता. मैं कैसे सोच लूं? जो सब सोचते हैं वही तो मैं सोचूंगा. जैसे सब चल रहे हैं वही तो मैं चलूंगा. सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं भी तो लड़ूंगा. तो सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं. और वहां पर पॉजिटिव होना कोई बहुत अच्छा नहीं है. आपको अपनी कैपेबिलिटी को देखना पड़ेगा. लाखों में से कुछ हजार लोगों का सिलेक्शन होने वाला है. यू नीड टू सी कि आप उसमें क्या इन्वेस्ट करने वाले हो. वहां पर हम सोचते ही नहीं है. दूसरा है कि बिजनेस आप कर रहे हो और बिजनेस में हम फेल हो रहे हैं. बिजनेस में कभी भी माइंड को बंद मत करना. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू नीड टू हैव अ वेरी नैरो माइंड. अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, बट इट इज अ फैक्ट. इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी नैरो माइंड. नैरो माइंड इन द सेंस कि बस 24 घंटे इसके अलावा और कुछ थॉट भी नहीं आना चाहिए माइंड में. बिजनेस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. वहां पर बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए. वहां पर क्या है, यू नीड टू एंटरटेन मोर एंड मोर ऑफ आइडियाज कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूं ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है और क्या रास्ता है. और क्या वहां पर आप नहीं बोल सकते और क्या रास्ता है. वही पेपर होगा जो आपको देना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते और कोई पेपर भी है क्या, और कोई रास्ता भी है अंदर घुसने. कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है वहां पर. वहां पर वेल डिफाइंड एक ही रास्ता है. पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. बिजनेस में ऐसा कोई रास्ता नहीं है. तो आपको देखना है सबसे पहले तो कि क्या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ब्रॉड माइंडेड है या नैरो माइंडेड है. अगर ब्रॉड माइंडेड है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू. क्योंकि हर रोज कुछ नए थॉट आएंगे माइंड में. अब मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है. आई एम नॉट जजिंग एनीबडी एंड आई एम नॉट सेइंग नैरो माइंडेड इन अ नेगेटिव वे. हो सकता है स्कूल टाइम से ही आप ऐसे थे कि मैं एक चीज में, मेरे से ना बहुत सारी चीजें नहीं होती है. एक काम पकड़ लिया बस उसी पे मैं लगा हुआ और मैं करता चला जा रहा हूँ. कुछ होते हैं वो बाय बर्थ ही अजीब से होते हैं, जैसे मेरे टाइप के कैरेक्टर होते हैं. वो मतलब एक जगह पर टिक नहीं सकते हैं, समझ गए. उनको होता है कुछ क्रिएटिव, ये क्रिएटिव लोग बोलते हैं इनको. हर सेकंड में कुछ अलग हो रहा है, हर सेकंड में कुछ नया हो रहा है. तो वहां तो हर सेकंड में कुछ अलग नहीं हो रहा है.
मैं कैसे क्रैक करूंगा उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, मेरे बस का तो नहीं है। तो वो आपको जाकर के किसी ऐसे से समझना पड़ेगा जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुका हो, उसके लिए मैं सही बंदा नहीं हूं। बट इफ यू हैव गॉट अ क्रिएटिव माइंडसेट, अब वो हर एक का अपना अलग अलग होता है, जैसे होता है ना घर के अंदर कुछ अजीब अजीब सी चीजें आप कर रहे हो कंप्यूटर में, यहाँ पे वहां पे ये वो वट एवर, कि मतलब कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं, तो वहां पर तो पूरा खुला हुआ दिमाग चाहिए। कभी भी कोई भी अजीब सा थॉट आ सकता है, उसको आपने इंप्लीमेंट किया, नहीं काम किया, दूसरा किया, नहीं काम किया, तीसरा, अनलिमिटेड रास्ते हैं, उसमें से कौन सा रास्ता काम करेगा कौन सा नहीं ये भी नहीं पता है, वहां पे एक थ्रिल है, मतलब दिस इज एन अननोन पाथ विच लुक्स वेरी डेंजरस टू मोस्ट पीपल। सबको श्योरिटी चाहिए, अननोन से डर लगता है, पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, इससे डर लगता है लोगों को। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये नहीं आता है कि जोश में आकर के अपना होश खो देना, सबसे पहला है होश में आराम से बैठ करके समझना कि मैं क्या हूं, वो कोई नहीं करता है, क्योंकि आपको कोई और बताता है आकर के कि आप क्या हो, आपको खुद को पता भी है आप क्या हो, दुनिया आपको बताती है कि नहीं तू इस काम में अच्छा नहीं है, तू इस काम में अच्छा है, दुनिया बताती है और आप करने लग जाते हो। आपने बोला ब्रॉड माइंडेड और नैरो माइंडेड पोल्स अपार्ट है, ठीक है सर, लेकिन ब्रॉड माइंडेड मतलब बिजनेस जिस चीज को हम कह रहे हैं उसमें सर लाइक अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है और आइडिया पैसे से रिलेटेड है और अभी हम फाइनेंशियली मतलब हम जो हम है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज, नहीं इसको नैरो अप्रोच कहेंगे। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जो मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है उसके लिए मान लो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं 2 लाख क्या तेरे को 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती, अगर आप ये कह रहे हो तो ये नैरो माइंडेड अप्रोच है, ये बिजनेस वाली अप्रोच नहीं है। ब्रॉड माइंडेड अप्रोच का मतलब क्या है, 2 लाख छोड़ मैं तो 2 रुपए से शुरू करूंगी, दैट इज ब्रॉड माइंडेड, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ भी नहीं है तो 2 रुपए भी नहीं है सर, 1 रुपए भी नहीं है तब भी होता है, बिजनेस का पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैं वेडिंग प्लानिंग का एक बिजनेस करना चाहती हूँ लेकिन मैं सीए कर रही हूँ। अब आपने जो एग्जांपल दिया है मैं उसी से रिलेटेड आपको अभी बता देता हूँ, ये काम बिना पैसे के कैसे कर सकते हो, आप 100-200 रुपए अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो। अगर फेल हो गया प्लान तो उसे भी तो वापस करने पड़ेंगे, वो कहां से लाऊंगा 100-200 रुपए भी नहीं, अरे 100 रुपए दो यार। सुनो अब मैं ये कह रहा हूँ, आप सीए कर रहे हो करते रहो, साथ साथ में ब्रॉड माइंडेड अप्रोच आपको बता रहा हूँ क्या होती है, अगर मैं आपकी जगह आऊंगा तो मैं क्या करूँगा, एज सिंपल एज दैट। वेडिंग प्लानिंग में मेरे को आइडिया आ रहा है और अंदर से आ रहा है, पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या एक्चुअल में आ रहा है या मैं बस वैसे ही कि मैंने बैंड बाजा बारात देखी और ये देखा तो मैं वैसे ही एक्साइटेड हो रही हूँ कि हाँ मैं भी कर लेती हूँ, नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेडिंग प्लानिंग में क्या होता है, रोज कुछ नया करना होता है, क्रिएटिव होता है, प्लस बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस होता है, मतलब कि और मुझे मज़ा ही स्ट्रेस में आता है, मजा ही वहां पर आता है जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे ये करना है, अब सवाल आता है कैसे करोगे और फ्री में कैसे करोगे। 100-200 रुपए के अंदर आपके छपे विजिटिंग कार्ड, आप बन गए वेडिंग प्लानर, एज सिंपल एज दैट। आपके विजिटिंग कार्ड बन गए फाउंडर एंड सीईओ व्हाटएवर जो भी आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है आपका एक बन गया विजिटिंग कार्ड बन गया, उसमें आपका नाम आ गया। आपने क्या किया, जो वेडिंग प्लानिंग कंपनीज है उनसे जाकर के टाइप किया, आता हुआ बिजनेस किसको बुरा लगता है, 100 रुपए आपके लगे विजिटिंग कार्ड के अंदर, बाकी के बचे 100 रुपए, ठीक है 200 रुपए में काम शुरू हो रहा है। आपने क्या किया, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया, वहां पर कोई भी अगर सर्च करता है वेडिंग प्लानर तो वहां पर आपकी एड आएगी, जब एड दिखती है तो उसके पैसे नहीं लगते हैं, तो वहां पर जब एड दिखेगी तो आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो उन्होंने अगर आपको देख करके एड कॉल कर दिया तो फ्री में आपके पास में एक लीड आ गई, बट अगर उन्होंने क्लिक किया तो 10 रुपए लगे या 5 रुपए लगे मान लो, उसमें भी वर्ड्स होते हैं हम कैसे चूज करते हैं, तो आपने ऐसे वर्ड्स चूज किए जो सस्ते हैं, वो थोड़े लंबे वर्ड्स होते हैं, ठीक है जिसमें कंपटीशन कम होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, तो आपने वो सस्ते वर्ड चूज करे कि अगर किसी ने सर्च किया मान लो वेडिंग प्लानर्स इन, ज्यादातर हो सकता है जो बड़े वेडिंग प्लानर्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे वर्ड वेडिंग प्लानर्स इन गुड़गांव, वेडिंग प्लानर्स इन दिल्ली, आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने एरिया सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई ये भी तो सर्च कर सकता है ना वेडिंग प्लानर इन मान लो दिलशाद गार्डन, तो वो कोई कीवर्ड किसी ने नहीं पकड़ा होगा तो उसमें कंपटीशन कम होगा, तो वो आपको कितने का मिल गया, 5 रुपए का मिल गया, तो वहां से अगर 20 क्लिक हुए तो 20 क्लिक होने का मतलब क्या है, कम से कम 200 लोगों ने आपकी एड देखी, उस 20 क्लिक में से मान लो आपके पास में एक भी कॉल आई, आपके पास में विजिटिंग कार्ड्स है या 2 कॉल्स भी आपके पास में आई, तो आपका काम शुरू हो चुका है, पीछे से आपने किसी और से टाइप किया हुआ है कि अगर ये काम मिल गया तो करोगे आप, नाम होगा हमारा उसमें, इतना परसेंट हमारा होगा इतना आपका होगा। अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है तो जिससे आपने टाइप किया उनको आप साथ ले जा सकते हो, तो आपके पास में पूरी की पूरी टीम है कि हम
क्लियर हो रहा है, ऐसे शुरू करते हैं काम को। और अगर वहां से कहीं से कोई काम मिल भी गया, आपके पास विजिटिंग कार्ड तो है ही, कोई भी आपसे पूछता है आपके रिलेटिव में क्या करते हो, आई एम डूइंग दिस वेडिंग प्लान, उनको थोड़ी पता है आप कहाँ हो कहाँ नहीं, उनको थोड़ी पता है कि ये 100 रुपए में काम शुरू हुआ है, उनके लिए तो आप हो। और अब आपको क्या चाहिएगा, प्रोफाइल चाहिएगी, क्योंकि जाते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे आपने क्या किया है। तो जिनसे आपने टाइप किया है उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करेंगे तो वही ना, तो आप दिखा सकते हो, देखो ये वेडिंग हमने मैनेज करी है, समझ गए, उनको इसी से तो मतलब है ना कि आपने क्या। और वो आपके साथ में जा ही रहे हैं, वो आपके साथ में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, उनको भी आपने बोला है कि मैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने वाली हूं, उनको थोड़ी पता आप 100 रुपए में कर रहे हैं, उनको बोलना है कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। अब हल्के पुल्के जो झूठ होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड हार्मलेस लाइज, यहां पर कुछ जाता नहीं, नाम आपने अपना बना लिया और उनकी सिर्फ दिखाई नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वही काम करने वाले हैं, तो उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करने वाले तो वही है ना, आपका कोलैबोरेशन हो गया, कैसे हो गया, फ्री में हो गया, उसमें अगर वो काम आया तो 20% आपका, 80% उनका। मान लो अगर 5 लाख में शादी हुई तो आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया, यहां से 4 लाख उनका है, 1 लाख आपका है। अब इस 1 लाख से आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है, लखपति बन गए। हाँ, और इससे आप 200 रुपए वापस कर दोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट।